ओम शांति ओम शांति अभी तीसरा बारी बोलेंगी ओम शांति अच्छा गुड मॉर्निंग मधुबन में नोट करते जाते हो हर दिन की गुड मॉर्निंग में कितने फायदे होते हैं जितनी कमाई करनी हो सो कर ले एक तो कल किसने देखा एक ये बात बड़ी कल पर नहीं रखनी है दूसरा अपनी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है मेरी जिम्मेवारी किसके ऊपर भी नहीं है बाबा के ऊपर पर बाबा कहते हैं तुम तो पुरसाद करेंगे तो मैं मदद करूँगा पुरुषाद भी कैसा करना चाहिए वो भी सिखाऊंगा क्यों बाबा कहते इतना पक्का याद हो मेरा बाप शिक्षक सतगुरु एक है। तीनों से फायदा ले लो एक ही टाइम में दिन भर में हर श्वास संकल्प में स्वास में संकल्प में, स्वास में, स्वास में संकल्प होगा तो वाणी होंगी वाणी होगा तो कर्म होगा तीनों कट्ठे है आपस में है पर, से तो संकल्प वाणी, कर्म आपस में कट्ठे है ना है हाँ। तो, तो आगे ये पता ही नहीं था कर्म का आधार संकल्प है वाणी का भी संकल्प रहा है तो पहले अभी संकल्प पर ध्यान चला गया है संकल्प जितना शुद्ध तो क्या काम लायक सच्ची भावना वाला संकल्प ही भावना वाला ये ध्यान से संकल्प भावना वाला जैसी भावना ऐसा संकल्प होगा ना कामना वाला संकल्प नहीं जो मैं कहूं सो होवे भावना वाला संकल्प वो वाणी थोड़ी पर भावना ज्यादा है अच्छी कर्म की जरूरत नहीं है कर्म में पहले है दृष्टि फिर बोल और दृष्टि में चाहिए रुआ या और जैसा बाप कर कोई आत्मा बैठी थी मुझे लग रहा था कितनी सहज बात है मन तो, का टोटके के, के सुनाता हूँ टोट के माना छोटी सी बात में भी, भी कितना मैंने कहा बाबा बिल्कुल सिंपल वे में सिखाता है कहते है, जो मेरे गुण हैं समझाए ना तो मेरे गुण कौन से है बाप पतित पावन ज्ञान का सागर है प्रेम का स्नेह का सागर है ज्ञान का सागर सब ज्ञान देखे पूरा नहीं करता है ज्ञान में रहम और स्नेह बराबर है है पतित पावन पर ज्ञान में हम हम आत्मो के लिए रहम बहुत है स्नेह है ये जो बाबा के गुण है ना वो खींच ले वे। बस न किसी के गुणा और गुण को देखें हमारे में भी क्या था कुछ खास तो था ही नहीं पर गुण दुनिया में तो प्रधान दुनिया में हम भी थे ब दुनिया में के भेंट में कहेंगे इतने नहीं थे थे तो दुनिया तो तुम तो तो प्रधान थी न दुनिया से ही भावनजारा निकाला ये दुनिया ये तुम दुनिया में दे संबंधित सब दुनिया की बातें हैं पर उनसे ऐसे करके एक तो संगम पर सामने बिठा के संगम है सामने बैठ पर बाप की मैमा को देख कैसी बाप की मैमा मुख से नहीं बोल पर जान तो उनसे जो फायदा हुआ ना बाबा के मैमा से पावन बरोबर ज्ञान का सग हाँ इतना ज्ञान देता सागर शाही बनाओ तो भी लिख नहीं सकेंगे धरती कागज बनाओ हाँ। झार को कलम बनाओ तो भी बाबा ने इतना दिया इतना दिया है कराची से हम सब कुछ लेके आ सकते थे तो बाबा ने जो ज्ञान मूल्या चलाई थी ना मूल्या कैसे लेके आए ढेर कमरे भरे पड़े थे वो नहीं लेके आए पहले से बाबा ने क्या कहा मम्मा ने किया बाबा ने तो मूल्यों का हमारे पास दो तीन शांत दादी दूसरे हमारी लोक एक बहन लक्ष्मणा तीन बहनों के अक्षर बड़े अच्छे थे ईशु बहन उनके अक्षर राइटिंग बड़ी अच्छी थी बैठ के लिखा वो इतने थे इतने भारी बुक थे वो लेके आए थे पर मूल्या नहीं लेके आए अभी भी हरे सेंटर पर कितने ढेर मूल्या होंगी कितना वेडवाइज कोर्स चलाया है कहाँ करेंगे पूछते कहाँ करें वैसे ऐसे मूली मांगते तो भी नहीं देते है। भाई मूली कैसे देंगे तुमको कोई कह मूली तो दो ना मूली नहीं देंगे आकर मूली सुनो ऐसे घर में मूली पाने के लिए नहीं देंगे यहाँ तो ऐसे करते हैं या तो मूल्य संभालें कहाँ बोलो कहाँ संभाले सारी अंदर आत्मा में चली गई दृष्टि में वृत्ति में चलन में चेहरे पर मूल्य अंदर चली गई बड़ी अफसोस की बात टाइम नहीं है अफसोस की मेरे लिए अफसोस की बात है मेरा बाबा के पत्रों में बहुत मोह था अति मोह था पत्र मेरे को बहुत ढेर लिखे थे लिखता था बहुत प्यार से पत्र। एक बारी मेरी परीक्षा लेने के लिए अभ्यक्त होने से एक बरस पहले होऊंगा, मुझे कहा जो पत्र छपा के रखे नाले में डाल के समझो मेरा क्या हाल हुआ होगा नाला था कागजों में मोह क्यों रखा है मेरा आर्डर ये कैसे न मानू कैसे हो सकता समझो वो गणेश की पूजा करके जब जिसके डबोते हैं <laughs> पर मेरे लिए प्राणों से प्यारे पत्र बाबा के फिर मैंने क्या किया सारे पत्र एक कापी में लिखे बैठ के लिख करके अच्छी तरह से लिख करके फिर आज्ञा मानी आज्ञा मानी वो इतना रोया होगा बात में पूछो रोया बहुत पर आज्ञा मानी पर क्या हुआ शरीर तो बाबा के शरीर अव्यक्त होने के पहले मेरा शरीर और ही ढीला था बाकी पत्र पर ऐसे करने से तो बाकी क्या हुआ होगा पापा को तरस नहीं पड़ा उसको पता है इसमें इसकी जान है पर मानना पर वो अच्छी तरह से कापी लिख करके रखी रखी थी मेरे साथ तकिए के आगे रखी होती थी तकिए के आगे पर क्या हुआ हृदय पुष्पा दादी है ना बैंगलोर वाली थी वो मेरी सखी थी जब बेंगलोर से मैं जाए ना पुणे जरूर रुकती थी बरूर रुकती थी इसके पास कुछ, कुछ खजाना होता है हमें रात जा के रोज करके फिर जाती थी बेंगलोर बड़ा प्यार था पुणे से बेंगलोर पैदा हुआ है तो फिर अब बहुत अच्छी तरह से ममा ने बेंगलुरु की स्थापना की है तो वो काफी उसने देख ली देख ली तो मेरे को कहा मैं देखूँ परू मैंने कहा बहन रख रहा ले ली <laughs> चोरी करके चली गई <laughs> वापस नहीं दिया मैंने कहा कहती है ये तुमको तो क्या है ये खजाना बहुत अच्छा अरे बहन खजाना तो बहुत अच्छा है आ, तब से सोचा जो भरना है, अंदर भर ले गी सुना झोली भर दे जो भरना है अंदर भर ले ये भी छोड़ना पड़ेगा उस दिन से लेकर के बाकी वो कापी भी मेरी लेके गई अब मेरे पास कोई कापी नहीं है कोई नोटबुक नहीं है अब बाबा भी कहता है आज बाबा ने कहा है तभी क्यों संस्कार में भर रहा है भगवान बाप तुम सोचो से बाप सच में आता नहीं है अपना शरीर तो अभी भी इनका लोन लिया है सचु में कैसे आऊं तुम कहेंगे पर सचु में तुमको तुमको स्वर्ग की राजाई देने के लिए पर आता हूँ बाप टीचर सतगुरु ये सदा बहुत आनंद है इसमें मैं नहीं समझती मोहनी बहन तो मुझे अच्छी तो जानती है पता नहीं मोहनी बहन आज मैंने कहा मोहनी बहन बोली सुना ले मैं सुन लो पर कोई दिन कोई घड़ी कोई सवेरे शाम नहीं होगा जो बाप टीचर सतगुरु तीनों मुझे याद न हो कट्ठे 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 साथ में बीच में धर्मराज वो हमारे संकल्प को भी देखता है चेहरे को भी देखता है व्यवहार को देखता है संबंध को देखता है अच्छी तरह से देखता है तीनों उसके बीच में वो है पर वो छिपके बैठा हुआ है धर्म स्थापना अर्थ ही पर आ रहा है कल के ब्रह्म धर्म है कल पक्का था ब्रह्म धर्म है धर्त पर ही धर्म छोड़िए मना प्रेम ब्रह्म धर्म की प्रेम कहते नियम मर्यादा सभ्यता नियम टाइम टेबल मर्यादा भाई भाई की दृष्टि बहन भाई बहन भाई से भी भाई भाई की दृष्टि है सभ्यता चलना बोलना भरोसे सम्मान वालों से ताकि सभ्यता से शान है तो ब्राह्मण धर्म की स्थाप ब्राह्मण सो देवता देवता तो पीछे ब्राह्मण अब सावली है और जिसके मुख्य सवाल ये की माता पिता जो जन्म देते हैं पता चलता है ये फलाने का बेटा है माता पिता का पता चलता है मिक्स होता है तो पता चलता है मिक्स है पर हमारा माता भी ये पिता भी ये देख फिर कहता है बाप दादा पहले माता पिता माँ के रूप में देखो या बाप के रूप में देखो बाप दादा के रूप में देखो शिक्षक सतगुरु के रूप में देखो उनसे की वंशावली है चेहरा तो बतावे तो इसकी वंशावली है और अनुभव तो सबको सेवा का भी अनुभव है अभी चेहरे से जो सेवा है ना वो मुख की सेवा शब्दों में कभी भाषा में भाषा जब मैं बोलेंगे कि ट्रांसलेशन करने वाला की भावना वो नहीं होगी तो वो पले नहीं पड़ेगा भावना की सारी शिव बाबा भोला नाथ की भावना ऐसी है हमारे कल्याण की तांक हमारे में ऐसे संस्कार बन जाए अभी ये बात टाइम अनुसार है पर लक्ष्मी बाबा कहता है लक्ष्मी और नारायण में बात है तो दोनों पद ऊंचा कम नहीं बात है किसने कहा था बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए क्या ममा को स्पेशल ट्रेनिंग दी लक्ष्मी बनने की ये पुरानी बात है मैंने कहा स्पेशल नहीं दी थी खास ये लक्ष्मी बने स्पेशल नहीं दिया है आप फर्क किया बनेगी एक मिनट में स्वीकार कर लिया हाँ। मुख से नहीं कहा अंदर स्वीकार किया हाँ यही करने का है वो परिवर्तन हमने आंखों से देखा एक दिन के अंदर एक दिन के अंदर जो मैंने गीत गाया फिर पर एक बरस के बाद मम्मा को देखा मैं भी बांधे ली थी क्या मामा में परिवर्तन एक बरस में अभी कोई कोई कहते मामा का बुक पढ़ते पढ़ते हमको बहुत समझ में आया है ये जो मामा का साल हुआ जून मास में मम्मा के बुक से बुक से कईयों को प्राप्ति हुई है क्या किया तो मैं पहले आती हूँ बांधे आई घर में से तो मेरे को क्वीन मदर कहती है दीदी की माँ कोई कहती है मम्मा से मिली मैंने समझा जसोता के लिए कहते बाबा के उसके लिए मैंने समझा ही नहीं इसको मम्मा कहते हैं इसके बीच में एक वर्ष के बीच में एक कब कब देखा था चेहरा देखा था डिफरेंट 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 सबसे डिफरेंट होती जा रही है पर इसको मम्मा बाबा ने कहा है ये मुझे पता नहीं था फिर मैंने सोने शायद ब्रज के लिए कहती है मम्मा तो उसका भी चेहरा चमक रहा था पीछे ये तो ये मम्मा बन गई सारा देखो सब एक सौ बहनों में डिफरेंट हो गई धक्का से सौ बहने समर्पण हुई होगी एक छे महीने के अंदर परंतु तो डिफरेंट हो गई है सारा पुरुषार्थ फुल अटेंशन ममा का मम्मा क्यों कहा अभी जो सारी यज्ञ है ना संभालना पड़ेगा और सबको ध्यान सबके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा तो हम सब पर ध्यान भी है मम्मा का यज्ञ पर ध्यान भी है मम्मा का सब एक्यूरेट एक्यूरेट होवे हो हमारी खट्टिया भी कैसी होवे हमारा ड्रेसिंग रूम भी कैसी होवे हमारी ड्रेसिंग रूम मम्मा देखने आती थी कोई नैपकिन ट्रावल ऐसे नहीं पढ़ा रह सकता है हम लोग एक जन में एक हम एक रूम में रहते थे पर ड्रेसिंग रूम अलग होती थी कमरे सोने के अलग जो सफाई मम्मा रुक्स राउंड लगाएंगे बिस्तरा कैसे है तकिया कैसे रखा है कभी आज भी हम अच्छा नहीं लगा खटिया पर कोई नेपकिन टावेल रखा रहे नेवर इतनी सफाई ममाने से सिखाई भंडारे चक्कर लगाएगी चक्कर लगाना ध्यान खींचवाना शब्दों में नहीं ऐसे हो ऐसे बाबा कर सुपरवाइज सु करे सब ठीक चल रहा है हॉस्टल है बच्चे घर है हॉस्टल है पढ़ाई पर, पर अटेंशन हॉस्टल में से ले रहे थे जो पढ़ाई ठीक पढ़ सकते तो ये जो हमारे नियम मर्यादा जो ब्राह्मण है है बजाता वो है। लक हाँ। उसमें जरा भी ढीलापन है स्वच्छता नहीं है सच्चाई नहीं है ना वाइब्रेशन नहीं आएंगे ये सारे जो इतने सेवाएं पांडवों से ज्ञान सरोवर ज्ञान सरोवर से शांतिवन इतनी जो वर्गीकरण फलाना ये सारी है सच्चाई सफाई सादगी सिंपल है।, है तो ये हमारे ध्यान पर जितनी बात है ना उतनी ध्यान रखने से धारणा अच्छी योग अच्छा मम्मा ने बड़े प्यार से हमको हाथ पकड़ के इशारा दिया होगा ये ना कर ये कर ये भी इतना भी नहीं है हाँ तो किस करी सुनाएंगी तो जैसे पता नहीं किसको सुनाया था सारी मामा की लिस्ट कौन से ग्रुप में सुनाई याद नहीं है कौन से ग्रुप पे सारी मम्मा की लिस्ट सुनाई थी छः ग्रुप में मम्मा ने क्या क्या सिखाया जो आज दिन तक सुबह से शाम तक बाबा ने आंख दिखाई है ये नहीं कर सकती तुम तो। बाबा ने मुझे आंख दिखाई होगी सर तो प्यार नहीं किया होगा प्यार कम किया होगा आंख अच्छी दिखाई होगी जो अभी तक भी वो नहीं होगा हमारे से और मामा ने फिर इशारे से बाबा जो कहे वही करना है इसमें क्या है पुरुषार्थ में कोई तकलीफ़ नहीं है पर वो एक ढंग जो है ना करने का बहुत सहज और अच्छा और जैसे सफलता हुई परी है माँ बाप के बच्चे हैं ना तो आते संस्कार डाल रहे हैं बच्चों में मीठे बच्चे तुम बाप के बच्चे माले को बाप के बच्चे मालिक को तुमने कोई बाप के पास आकर शरण नहीं ली है बच्चा कभी बाप के शरण में नहीं आता है प्रश्न किस बात का सदा सिमरण करता सिमरन होता रहे किस बात का ये भी पता है ना सिमरण चिंतन में फर्क है ये भी ध्यान रखना सिमरन स्लो होगा चिंतन फास्ट चलेगा सिमरण ज्ञान का चलेगा चिंतन कोई वेस्ट बात उस घड़ी अच्छी लगेंगी जल्दी जल्दी चलेगा तो बाबा कहते किस बात का सदा सिमरन होता रहे तो माया कभी तंग नहीं करेंगी तंग नहीं करेंगी उत्तर हम बाप के पास आए हैं वह हमारा बाबा भी है शिक्षक भी है सतगुरु भी है सुना माया कभी न तंग करे बाप भी है शिक्षक भी है सतगुरु भी है परंतु है निराकार हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है यह बुद्धि में स्मरण रहे तो खुशी का पारा चरा रहेगा माया कभी तंग नहीं करेंगे ओम शांति त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है त्रिमूर्ति बाप है ना तीनों को रचने वाला वह ठहरा सर्व का बाप क्यों ऊंचते ऊंच उच्ट वे बाप ही है बच्चों के बुद्धि में है हम उनके बच्चे है जैसे बाप परम धाम में रहते हम उसके बच्चे हैं पक्का कैसे होंगे <coughs> जैसे बाप परम धाम में रहते हैं वैसे हम आत्माएं भी वहां के निवासी है बाप ने यह भी समझाया है कि यह ड्रामा है जो कुछ होता है वह ड्रामा में एक ही बार होता है बाप भी एक ही बारी पढ़ाने आते हैं तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो ये आखिर भक्ति मारक के है शरण परी मैं तेरी बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या बच्चे तो मालिक होते हैं तुम बच्चे बाप के शरण नहीं परे हो तुमको बाप ने अपना बनाया है कितना डिफरेंट है तुमको बाप ने अपना बनाया है बच्चों ने बाप को अपना बनाया है बाप ने तुमको अपना बनाया है ये सुन लो बाप ने तुम अपना तुम बच्चों ने बाप को अपना बनाया है ये एक चाहिए मैं सबको देख नहीं सकती हूँ मैं कहती तो हूँ सामने बैठना चाहिए ये बात का पक्का है बाबा ने मुझे अपना बना मैंने बाबा को अपना बना रखा है दिल से देखो मैंने बाबा को अपना बना के रखा है जो मेरे हाथ से छूट नहीं सकता जाए तो सही कहा ऐसा ऐसा कोई दिल से बोले बाबा कान जा तो सकते जैसे हम नहीं जा सकते वो भी नहीं हट सकता इतना प्यारा इतना मीठा वो मेरा है आ, माया किसके पास आती है जो बाबा को अपना बना के नहीं रखा है आज माया को भगाना है खलास करना है समझा आ, आ नहीं सकती अच्छा सुनो बच्चों ने बच्चों ने बाप को अपना बनाया है तुम बच्चे बाप को बुलाते ही हो बाबा आओ हमको अपने घर ले जाओ अथवा राजा ही दो एक है शांति धाम दूसरा है सुख धाम सुख धाम है बाप की मिलकत है और दुख धाम है रावण की मिल्कत है पांच विकारों में फंसने से दुख ही दुख है अब बच्चे जानते हैं हम बाप के पास आए हैं वह बाप भी है शिक्षक भी है परंतु है निराकार हम निराकार ही आत्माओं को पराने वाला भी निराकार है वह है आत्माओं का बाप यह सदीय बुद्धि में सिमरन होता रहे तो खुशी का पारा चढ़े बड़ी अच्छी है सदा सिमरन होता रहे तो खुशी का पारा चरे यह भूलने से ही माया तंग करती है अभी तुम बाप के पास बैठे हो तो बाप और वर्षा याद आता है एम एन ऑब्जेक्ट बुद्धि में है ना याद शिव बाबा को करना है कृष्ण को याद करना बहुत सहज है शिव बाबा को याद करने मेहनत है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है कृष्ण अगर हो तो उस पर तो जल्दी सफिदा हो जावे खास माताएं तो बहुत चाहती है हमको कृष्ण जैसा पति मिले कृष्ण जैसा बच्चा मिले बाप कहते मैं आया हूं तो तुमको कृष्ण जैसा बच्चा कृष्ण जैसा पति आप ही मिलेगा अर्थात अर्थात इन जैसा सर्वगुण संपन्न सोरा कला संपूर्ण सुख देने वाला तुमको मिलेगा स्वर्ग था कृष्णपुरी में सुखी सुख है बचे जानते हैं हम यहां पढ़ते हैं कृष्णपुरी में जाने के लिए स्वर्ग को ही सब याद करते हैं ना कोई मरते है मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ फिर तो खुश होना चाहिए ना ताली बजानी चाहिए नर्क से निकल कर स्वर्ग में गया ये तो बहुत अच्छा हुआ जब कोई कहे फलाना स्वर्ग पधारा बोलो कहाँ से गया कोई शरीर छोड़ता है कहते फलाना स्वर्ग पधारा कहाँ से गया माना नर्क से गया ना इसमें तो बहुत खुशी की बात है सबको बुला के टोली खिलानी चाहिए कोई शरीर छोड़ता है तो बुला के कल मंजूला बहन के सरी छोरा हमारे मंजूला बहन अशोक भाई की अहमदाबाद की अनन्या पुरानी माता तो ड्रामा ड्रामानुसार दो बारी उसे मिली सला बहन ने कहा पहले हॉस्पिटल में थी यहाँ से जाते दिल्ली जाते उनसे मिली तब सुजाग थी पहचान और अति खुशी में आ गई और सारे मित्र संबंधी आए उनको टोली बोली खिलाई फिर अभी दूसरा बारी यहाँ आते मिल के आई मिल के आई तो उस गरी नहीं पहचाना पर मित्र से मैंने कहा इसको पेशन करके नहीं सुलाओ तो यहाँ से शिवरात्रि के सला को कहा मैं कुर्ता भी देती हूँ चादर भी देती हूँ भी ओ, सें, सेंट भी देती हूँ जा करके इसको ऐसे फिरता करके सुला दो तो कल दोनों बच्चों ने बात की उसके बेटों ने का ये बहुत अच्छा हुआ शरीर छोड़ा तो अच्छा यादगार दिया गुजरात के फाउंडेशन में पूरा यज्ञ माता का पाठ बजाया तो टोली खिलानी चाहिए सुना यहाँ से गीता बहन को भेजा ज्ञान सरोवर से परंतु तो यह तो समझ की बात है ना? वह ऐसे नहीं कहेंगे इक्कीस जन्मों के लिए स्वर्ग गया अब इसके लिए तो कहेंगे इक्कीस जन्मों के लिए स्वर्ग गया तो कह देते स्वर्ग गया अच्छा पर उनकी आत्मा को यहां बुलाते क्यों हो नर्क का भोजन खिलाने के लिए नर्क में तो बुलाना नहीं चाहिए ये बाबर समझाते हैं हर बात में ज्ञान है बाप को बुलाते हैं हमको पतित से पावन बनाओ तो जरूर पतित शरीरों को खत्म करना पड़े सब मर जाएंगे पर कौन किसके लिए रोएंगे जब सब खत्म होता जाएगा, कौन किसके लिए रोएंगे अब तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम हम शरीर कैसे छोड़े कौन ये प्रैक्टिस करता है अच्छा ये बाबा ने बहुत अच्छा से कहा शरीर कैसे छोड़े ऐसा पुरुषार्थ दुनिया भर में कोई करते होंगे तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि हम हमारा ये पुराना शरीर है बाबी कहते मैं पुरानी जूती का लोन लेता हूँ ड्रामा में ये रथनिमित बना हुआ है ये बदल नहीं सकता इनको फिर तुम पाँच हजार वर्ष के बाद देखो जब ये मूल्यां फिर पड़ी थी इनको फिर तुम पाँच हजार वर्ष के बाद देखेंगे समझो बाबा अभ्यक्त होने के बाद ये शब्द पड़े उन क्या होता होगा हा? ऐसी तैयारी करते रहे अंदर ही ड्रामाकारा समझ गए हो ना ये बाप के सिवाय और कोई भी ताकत नहीं है जो समझा सके ये पाठशाला बड़ी वंडरफुल है यहां बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान के पाठशाला में भगवान भगवती बनने के लिए अरे बुढ़िया थोड़ी कभी स्कूल पढ़ती है तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाती हो बोल हम जाते ईश्वर यूनिवर्सिटी में वह हम राजयोग सीखते हैं अक्षर ऐसे सुनाओ चकृत हो जाए बुढ़ी भी कहेंगी हम जाती है भगवान के पाठशाला में यहाँ ये वंडर है हम भगवान के पास पाने जाते हैं ऐसा और कोई कह न सके कहेंगे निराकार भगवान कहाँ से आया क्यों वह तो समझते हैं भगवान नाम और पसेन्या न्यारा है अभी तुम समझ से बोलते हो हर एक मूर्ति के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो बुद्धि में ये पक्का है ऊंचते ऊंचे बाबा अभी ये बैठ के स्मरण करना है बुद्धि में पक्का है ऊंचते ऊंचे बाबा कौन है जो अंदर ये स्मरण करते 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 ये कुछ किया, किया अंदर ही अंदर हम हाँ जिसके हम संतान है अच्छा फिर सुख मतन वासी ब्रह्मा सुशंकर तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो तुम तो जिगरी जानते हो तो कहने मात्र नहीं कहते तुम तो जिगरी जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना बाप कैसे कर रहा है सवै तुम्हारे और कोई भी बायोग्राफी बता न सके अपनी बायोग्राफी ही नहीं जानते हैं तो औरों की कैसे जानेंगे तुम अभी सब कुछ जान गए हो बाप कहते हैं मैं जो जानता हूं बाप कहते हैं मैं जो जानता हूं मुरली ऐसे सुनो जैसे सनमुख सुन रहे हैं बाबा के मुझे मजा आता है सन्मुख बाबा ऐसे सुना रहा है हा? हा? मैं जो जानता हूं सो तुम बच्चों को समझाता हूं तुम अभी सब कुछ जान गए हो बाबा कहते हैं राज आ, सो तुम समझाता हूँ राजाई भी बाप के बिगर कोई दे न सके इन लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई से ये राज्य नहीं पाया वहाँ लड़ाई होती नहीं है यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं कितने ढेर मनुष्य है अभी तुम बच्चों के दिल अंदर ये आना चाहिए अच्छा दूसरी बात तुम बच्चों के दिल अंदर आना चाहिए कि हम बाप से दादा द्वारा वर्षा पा रहे हैं मैंने बहन वादी को, को कोई लिखे ये बात उसने चिटकी दिया था तो अभी बोलो ये मूली की लाइन पढ़ो ऐसे बाप द्वारा बाप से दादा द्वारा वर्षा पा रहे हैं बाप कहते है, माँ में कम याद करो ऐसे नहीं कहते जिसमें प्रवेश किया उनको याद करो नहीं कहते माँ में कम याद करो वो सन्यासी लोग अपना फोटो नाम से देते हैं शिव बाबा का फोटो बड़ा क्या निकालेंगे बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे फोटो पर नाम आता है बिंदी पर नाम कैसे आवे है बिंदी पर शिव बाबा नहीं नाम लिखेंगे तो बिंदी से भी नाम बड़ा हो जाएगा कितनी गहरी बात है। है? समझ की बातें हैं ना ये तो बच्चों को बड़ा खुशी होनी चाहिए हमको शिव बाबा पढ़ाता है आत्मा प्रति है ना संस्कार अभी यह, यहां मेरे को लगा संस्कार आत्मा ही तो ले जाती है ना प्रति आत्मा है संस्कार आत्मा ही तो ले जाती है ना अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं कोई घरी बैठ के न बाबा मुझे आत्मा में नॉलेज के संस्कार भर रहे हैं संबंध के संस्कार तो पुराने सारे विक्रम नाच माना पुराने सारे अंदर से चले गए वह बाप भी है टीचर भी है गुरु भी है जो बाप तुमको सिखलाते है तुम और को भी यही सिखलायो सृष्टि चक्कर को याद करो और कराओ जो उनमें गुण है ना, अच्छा जो उसमें गुण है ना, वो बच्चों को देता है वंदर तो ये कल किसी को यही बात यही शब्द और कुछ नहीं बाबा के जो गुण हैं ना वो खेचते रहे बाबा वो जो गुण है ना बच्चों को देता है कहते है, मैं ज्ञान का सागर हूं सुख का सागर हूं तुमको बनाता हूं तुम भी सबको सुख दो मनसा वाचा कर्मना किसी को दुख नहीं दो सबको कान में यह मीठी मीठी बातें सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो याद से विक्रम नाश होंगे सबको ये संदेश देना है कि बाबा आया है उनसे ये वर्षा पाओ सबको ये संदेश देना पड़े आखिर अखबार वाले भी डालेंगे ये तो जानते हो अंत में सब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला आप ही को सबको सदगति देते हो दुख से छुराए सबको शांति धाम ले जाते हो यह भी जादूगरी ठहरी ना की अलप काल की जादूगरी यह तो मनुष्य देवता बनते हैं इक्कीस जन्म के लिए इस मनमना भव के जादू से इस मनमाना भव के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो जादू गर्त नागर ये सब नाम शिव बाबा पर है न के ब्रह्मा पर है यह ब्राह्मण ब्रह्मणिया सब पढ़ती है पर कर फिर पढ़ाती है बाबा अकेला थोड़ी पढ़ाते हैं। बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते हैं किसी को अकेला बिठा के नहीं पढ़ाता है बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते हैं, तुम पर है। औरों को पढ़ाते हो बाबा राजयोग सिखला रहे हैं वही बाप कितना बारी मुखसे बाबा 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 करता है और हम चेक करते बाबा जो भाषण करने वाले क्लास का बाबा बाबा कितना बारी कहते हैं? बामूली में कितना बारी बाबा कहता है ये भी बहुत अंध सूखम किसी हालत में भी ज्ञान का भी अभिमान ना आए योग का भी अभिमान आए मेरा योग बड़ा अच्छा है जिसके साथ योग है वो अच्छा है या मेरा योग अच्छा है भाई कितनी माया कहाँ घुस जाती है योग बड़ा अच्छा बड़ी अच्छी टचिंग आती है ऐसा फोर्स उसमें है जो उसे मेरा ही जो, जो योग है ना मेरा बड़ा अच्छा एक्यूरेट है किसकी सुनने में कभी भी नहीं दूसरे की योग जिसके साथ है वो अच्छा है कंडीशन जिसके साथ होगा ना अच्छा ही आती जाएंगे बड़ा सूक्ष्म अपन को चेक करने की बोलने में चाहे सोचने में चाहे योग में चाहे धारणा में वर्षा रचता से मिलता है नक रचना से कृष्ण से वर्षा नहीं मिलता है विष्णु के दो ये लक्ष्मी नारायण है छोटे पर में राधे कृष्ण है ये बातें भी बुद्धि में पक्का याद कर लो बूढ़े भी तीखे चले जाएं तो ऊंच पद पा सकते हैं बूढ़ियों का फिर बूढ़े तीखे चल जाए तुम्हारा ऊंच पद पा सकते हैं पर बुढों का क्या हाल है थोड़ा ममत रहता है बच्चों में अपनी रचना रूपी जाल में फस पड़ते हैं कितनों की याद आ जाती है उनसे बुध जो टोर है। और फिर एक बाप से जोड़ना इसमें मेहनत है जीते जी मरना है बुद्धि में एक बार तीर लग गया बस। तो बस युक्ति से चलना होता है ऐसी भी नहीं किसे बातचीत नहीं करनी अभी ग्रस्त व्यवहार में भल रहो सबसे बातचीत करो उनसे भी रिश्ता भल रखो बाबा कहते चैरिटी बिगिनस एट होम अगर रिश्ता ही नहीं रखेंगे तो उनका उद्धार कैसे करेंगे दूर दोनों से तो निभाना है बाबा से पूछते शादी में जाऊं बाबा कहेंगे क्यों नहीं जाओ पर बाप सिर्फ कहते हैं काम महान शत्रु है उस पर जीत पानी है तो तुम जगत जीत बन जाएंगे क्यों सत्यु में होते हैं निर्विकारी वहां योगबल से पैदाइश होती है बाबा कहते हैं निर्विकारी बनो एक तो यह पक्का करो हम शिव बाबा के पास बैठे हैं टाइम हो गया शादी की बात आई ना हमारी तो पुष्प था दादी के बेटे की शादी थी कितना समय वो अच्छी तरह से जैसे बाबा की ज्ष 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 क्या कहें पूरी सरमर पर क्या जैसे घर से कोई कनेक्शन नहीं था तो हस्बैंड ने बुलाया आओ शादी पर वो पहले नाराज था शादी फिर आशीर्वाद देने आओ बाबन का भले जाओ हाल में गई ना सर आशीर्वाद देने और कोई बात नहीं ये एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा पहले कोई कनेक्शन नहीं ने कहा जाओ बॉम्बे में बड़ा हाल तो गई ऐसे करके शादी से टोली खिला के कुछ देख निभाना बाबा किसको कहता है हा? निर्विका एक तो पक्का या पक्का याद कर शिव बाबा के पास बैठे हैं। शिव बाबा हमको चौरासी जन्मों की कहानी बताते हैं बाबा ने अच्छी अच्छी मिसाल बनाए है निभाने का बड़ा से उनको इतना रार रहा है सब आओ पाँव के जाओ हमको तो शाल पहनाई जैसे गुरु को पहनाई जाती है ब्राह्मण को पहनाई जाती है सिर्फ आओ शिव बाबा चौरासी जन्मों की कहानी बताते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है पहले पहले देवी देवताएं है आते हैं है सतोप्रधान पुनर्जन्म लेते लेते तम प्रधान बनते हैं दुनिया पुरानी पतित बनती है आत्मा ही पतित हुई है ना यहाँ की कोई भी चीज में सार नहीं रहा है कहाँ सत्यों के फल फूल कहाँ यहाँ के वहाँ कभी खट्टे बांसी खट्टी या बांसी चीज नहीं होती है बाबा भंडारे में कोई खट्टी या बांसी चीज खट्टी या कोई बांसी चीज नहीं होती है तुम तो वहाँ साक्षात्कार कर आते हो तुम्हारी तो दिल होती है यह फल फूल यहाँ ले जाएं। पर यहाँ आते हो तो वह गुम हो जाता है यह सब साक्षात्कार कर है, बच्चों को बाप बहलाते हैं यह है, है रूहानी बाप जो तुमको पढ़ाते हैं इस शरीर द्वारा प्रति आत्मा है नक शरीर इस शरीर द्वारा प्रति आत्मा है नक शरीर आत्मा को भी आत्मा को भी सुदभमान है ये चेंज आ गया आत्मा को भी है। मैं बाप से वर्षा ले रहा हूं स्वर्ग का मालिक बन रहा हूं स्वर्ग में तो सब जाएंगे पर तो नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा ना वर्षा आत्मा पाती है यह ज्ञान और कोई दे न सके सवे बाप के ये तो यूनिवर्सिटी है इसमें छोटे बच्चे जवान सब पढ़ते हैं ऐसा कॉलेज कभी देखा वह मनुष्य बैरिस्टर डॉक्टर बनते हैं यहाँ तो मनुष्य से देवता बनते हो तुम जानते हो बाबा हमारा टीचर सतगुरु है वह हमको साथ ले जाएंगे फिर हम पढ़ाई अनुसार आकर सुखधाम पद पाएंगे हम परायण अनुसार आकर सुखधाम में पद पाएंगे बाप तो कभी तुम्हारे सत्य को देखता भी नहीं है अभी सत्य तुम्हारा तो हो गया बाप तो कभी तुम्हारे सत्य को देखता भी नहीं है शिव बाबा पूछते हैं हम सत्यु देखते हैं देखना तो शरीर से होता है उनका अपना शरीर ही नहीं, नहीं है तो कैसे देखेंगा यहाँ तुम बच्चों से बात करते हैं देखते हैं या तुम बच्चों से बात करते हैं देखते हैं बग सच्चों से नहीं देखते है या तुम बच्चों से बात करते हैं देखते हैं है, सच्चों, है।, हाँ? है, देखते है सच्चों को नहीं देखते हैं हाँ? अभी ऐसी बातें कितनी प्यारी लगती है हाँ अच्छा है ना भगवान हमको देखता तो है हमारी बात सुनता तो है हमारे से तो करता है देखते हैं, देखते हैं ये सब पुरानी दुनिया शरीर बेगर कुछ देख नहीं सकते बाप कहते हैं मैं पतित तो दुनिया पतित तो शरीर में आकर तुमको पावन बनाता हूँ मैं स्वर्ग भी देखता नहीं हूँ ऐसे नहीं कोई के शरीर में छिप करके देख करके के आ जाऊँ बहुत बस चिटचट होती थी थोड़ा तो सच आवे ना नहीं पार्टी नहीं है ये कितनी नई नई बातें सुनते हो तो अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है अंडरलाइन करो इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है है ही नहीं दिल क्यों याद करो तेसर जन्म की जंग चली हुई है वह इस जन्म में उतारनी है और कोई तकलीफ नहीं है अब ये अखेर बाबा का सुन लो जब किसको विष पीने की भूख लगती है ना क्या शब्द बोल रहा है बाबा जब विष पीने की भूख लगती है वो छोड़ मैं छोड़ देनी चाहिए जब ऐसी गंदी ख्यालात आती है छोड़ देनी चाहिए उनका ख्याल भी नहीं करो कभी बाप कहते हैं इन विकारों से तुम जन्म जन्मा तो दुखी हुए हो कुमारियों पर तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है वैश्कों में जाने से खराब हो पड़ते हैं इनसे तो इनसे ही तो हेल में चले जाते हैं हम कहते थे शुरू सिनेमा है सिनकीमा की माँ सिनेमा है सिन की माँ पैदे पाप, पाप। हाँ। शुरू होता है सिनेमा से इसे हेल में चले जाते हैं बल बाबा कोई को कहते देखने में हट जा रही है बंद तो तुमको देख और भी जाने लग पड़ेंगे खबरदार कोई कहते है बाबा इससे बात कहा जाए पर तुम देखेंगे तुमको देख और जाने लग पड़ेंगे उसका बोझ तेरे पर इस पर थोड़ी बात सुना हम थी मसूरी में हमारे पास एक मैजिस्ट्रेट था उसकी वाइफ जो थी ना बड़ी अच्छी बाबा की बच्ची थी तो वो जो था ना साहब रिटायर्ड हुआ था तो आकर के कलकत्ते से आकर मसूरी में रहता था वान प्रस्थ वान प्रस्थ ले लिया था तो वाइफ को रात को छः बजे से सुबह को छः बजे तक नहीं देखता था उनके नियम बनाया होता तो हर साल आता था तो उस टाइम क्या किया कहा तो अब अच्छा आपके साथ ये रहे बुजुर्ग है पर तो मसूरी में तो जाए तुम आओ मसूरी में पर मेरे का प्यार बहुत था हरेकार तो कहा सुनो एक फिल्म बहुत अच्छी आई है में भगवान मैं टिकट लेके आया हूँ तुम तो चलेंगे देखेंगे ना अच्छा भाषण करेगी तो मैंने कहा बाबूजी मैं सिल, फिल्म देख कर भाषण करेगी पर अंदर सिनेमा में जाएंगी मेरा भाषण सुनेगा ही नहीं कोई बाबा जब कहते ना मैं अंदर आप तो कहते भाषण अच्छा कर करेगी पर कोई सुने आएगा नहीं पिक्चर आए सिक के, अच्छा कहा जी ऐसे नहीं हो सकता मेरे से ऐसे नहीं बुढ़े को कुछ करूं बा ने इतना अच्छा सिखाया है अख्याज पर करके वो दिन याद आया और उस दिन से इतना प्यार पैदा हुआ बहुत प्यार किसको भेजता था कहते थे ब्रह्मचर्य में रहना आसान नहीं है तुम क्या समझती हो पर उस पर समझाती थी उसको भाजी बाबा ऐसा सिखाता है इतना दृष्टिवृत्ति हमारी अच्छी होंगी तो बुढ़ा हो चाहे जवान हो पर उसका महात्मा गांधी बहुत चेले थे तो कहते निमक भी न खाएं न फलारा न करें न तो थोड़ा विकार कम होता है मैंने कहा इतना विकार बस सो जो निमक खाने के फलारा करने से विकार कम हो कम हुए पर क्यों नहीं अंदर से सुधरते हो तो कहता था तुम तो कैसी ताकत से पर, पर ताकत तो आई है से वहाँ जो मसूरी में बाबू जी ने भाषण कराए ना बड़े पावरफुल मेरे कोई हिम्मत दिला तुम ऐसे ऐसा ऐसा बोलेंगी मैं हा बोलेंगी मैं कहा, बैठ सामने बैठ कहता स्त्री को देख करके वो हो जाते हैं अरे कहते मैं, मैं, तुम पुरुष हो मैं स्त्री हूं बैठ इतना खुश हो गया वैसे ज्ञान नहीं सुनता था पर इस तरह से इतना सुना इतना सुना बात ना पूछो जगदीश भाई मेरे साथ आया सेवा करने के लिए मजा आया जगदीश भाई को भी इतनी ताकत चाहिए अंदर है। भागी मर, 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 इस, 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 क्या करूं कैसे करूं मन तुमको देख और भी जाने लग पड़ेंगे इसलिए तो मैं नहीं जाना है ये है भागीरथ रथ भाग्यशाली रथ है ना जो निमित बना है ड्रामा में अपने रथ को लोन देने के लिए ड्रामा अनुसार ये अपना रथ को लोन देने के लिए तुम समझते हो बाबा इनमें में आते हैं ये हुसैन का घोरा है तुम सबको हुसैन बनाता है बाप खुद हसीन है पर रथ ये लिया है ड्रामा में इनका पार्ट ऐसा है अब आत्माएं जो काली बन गई है ना उनको गोल्डन एजेंट बनाना है बाप भी ये दूसरी बात सुनो बाप सर्वशक्तिवान है या ड्रामा सर्वशक्तिवान है ड्रामा है ड्रामा है पर उनमें जो एक्टर्स है ना उनमें सर्वशक्तिवान कौन शिव बाबा और फिर रावण आधा कलप है राम राज आधा कलप है राज घरी घरी बाप को लिखते हैं हम बाप बाप की याद भूल जाते हैं उदास हो जाते हैं अरे, अरे बाबा को भूल जाते उदास हो जाते अरे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ उदास क्यों रहते हो मेहनत तो करनी है पवत्र बनना है ऐसे ही तुम तिलक दे दू क्या मेहनत करनी है सब अटेंशन मेहनत कर रही है पवत्र बन के ऐसे ही तिलक दे दू आप अपने आप को राज तिलक देने के लायक बनाना है ज्ञान और योग से बाप को याद करते रहो तुम तो अपने आप को आपेय तिलक देने लायक बन जाएंगे बुद्धि में है शे बाबा हमारा स्वीट बाप स्वीट टीचर स्वीट सतगुरु है हमको बहुत स्वीट बनाता है तुम जानते हो हम कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे हर पाँच हजार वर्ष के बाद स्वर्ग जरूर बनना है पर नर्क बनता है मनुष्य समझते हैं जो धनवान है मनुष्य समय जो धनवान है उनके लिए यहाँ स्वर्ग है गरीब नरक में है ऐसा नहीं है ये है ही नरक अच्छा मीठे मीठे बोलो बोलो मीठे मीठे सिक्कि दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते धाना के लिए मुख्य सार, सिनेमा हेल में जाने का रास्ता है ऐसी क्या होते है मूवी क्या होते है क्या वो देखना भी बहुत खराब है आजकल मैंने सुना है मुझे पता नहीं क्या ऐसे ये कंप्यूटर में भी पता नहीं क्या क्या देखते हैं अरे मैं तो अच्छा है ना कंप्यूटर देखा है ना जानना है ना सोचा है मैं क्या जानू अच्छा है भाई कंप्यूटर जानने वाले देखने वाले संभालो अपने आप को इनसे न देखना अच्छा चला आप ही सेवा होंगी आप ही साक्षात्कार होंगे याद के यात्रा से पावनपन ऊंच पद लेना है याद के यादरा से पावन बन ऊंच पद लेना है इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है दूसरा मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है सबको बाप की याद दिलानी है बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना है वरदान और सेंस कहाँ से बाबा शब्द ले आता है, है? सेंस और सेंस के बैलेंस द्वारा अपने पन को स्वाहा करने वाले अपने पन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव अर्थात ज्ञान की पायंस समझ और अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप माना ज्ञान की इस सेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप स्मृति और समर्थ स्वरूप इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन पुरानापन स्वा हो जाएगा अपनापन और पुरानापन स्वा हो जाएगा हर सेकंड हर संकल्प हर बोल हर कर्म विश्व परिवर्तन के सेवा प्रत स्वा होने से विश्व परिवर्तक सुत बन जाएंगे सेक। सेकंड हर सेकंड और सेकंड और संकल्प और बोल और कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रत स्वा होने से विश्व परिवर्तक सुतह बन जाएंगे जो अपनी देह के स्मृति सहत स्वा हो जाते हैं जो इस देह के स्मृति सहत स्वा हो जाते हैं उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज हो जाता है स्लोगन प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी प्रापत्यों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी ओम शांति